हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके थे अपना ब्लैक फंगस टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, और उस लेक्चर में हमने बात की थी उसके इंट्रोडक्शन की और उसके सिम्टम्स की बात की थी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे उसमें साइंस की, उसके बात करेंगे उसके संकेत कैसे होते हैं हमारे ब्लैक फंगस के, और बात करेंगे उसके डायग्नोस्टिक फैक्टर की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आइए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। तो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए बात करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो भाई, बात करते हैं उसके साइंस की, बात करते हैं कि मतलब संकेत क्या होते हैं, किस किस संकेतों से मालूम कर सकते हैं कि हमारे ब्लैक फंगस के सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं, ये सब उसके संकेत के बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा है फर्स्ट पॉइंट में इसने, ब्लैकिश ब्राउन कलर डिस्कलरेशन फ्रॉम द नोज। इसने क्या कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आपकी नसल से, आपकी नसल कैविटी से ब्लैकिश या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, एक ये साइंस यू भी हो सकता है। नेक्स्ट में कहा इसने, रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट, मतलब जो हमारी आंखें होती है, जो हमारी हमारी की जो पीपल्स होती है वो इधर उधर जैसे घूमती रहती है, मूवमेंट होता रहता है। तो उसने कहा कि इस कंडीशन में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाता है, जो हमारी आई बॉल होती है उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट में कहा है इसने, पिटोसिस ऑफ द अपर आईलिड, मतलब पिटोसिस का मतलब यहाँ पे क्या कहा है, पिटोसिस, पिटोसिस मींस मतलब जो हमारी आईलिड्स होती है, पलके होती है, उनका झुक जाना, मतलब वो झुक जाती है इस कंडीशन में। फिर इसने नेक्स्ट में बात की है प्रोप्टोसिस आईज, मतलब प्रोप्टोसिस का आई का मतलब होता है आंखों का बड़ा जाना, ये हमारी जो आंखें होती है वो क्या होती है, बड़ी दिखने लगती है बाहर से, जो हमारा इसका ये भी एक साइन है कि मतलब जो आंखें है वो बड़ी बड़ी दिखने लगेगी। नेक्स्ट में कहा इसने, फेशियल स्वेलिंग, मतलब जो हमारा फेस है वो स्वेलिंग हो जाएगा, सूज जाएगा उस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट कहा इसने, सम टाइम स्किन कलर डिस्कलरेशन, मतलब क्या जो स्किन होती है हमारी उसका कलर क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, हमसे कलर चेंजेस होने लगता है, जैसे ब्लैकिश हो जाएगा या ब्राउनिश हो जाएगा, तो ये क्या होते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है। तो गाइस, ये थे हमारे साइंस की बात, यानी संकेत जो हमारे देखने को मिलते हैं ब्लैक फंगस की कंडीशन में। तो बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, उसके टेस्ट और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मतलब उसके डायग्नोसिस, सबसे पहले बात करते हैं उसकी डायग्नोसिस की, कि मतलब कैसे डायग्नोस करते हैं हम अगर ब्लैक फंगस को, मतलब किसी पेशेंट को ये सिम्टम्स कन्फर्म हो रहे हैं, तो उसको फिर डायग्नोस करने के लिए हम उसके कुछ टेस्ट कराएंगे। तो उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टेस्ट इसमें CBC, मतलब क्या उसकी ब्लड टेस्ट कराएंगे हम, उसके ब्लड से पता लगेगा कि उसके ब्लड में फंगस है या, मतलब ये सब बात करते हैं, उसके CBC के देखने के बाद पता लगा सकते हैं। सेकंड इज किडनी फंक्शन, यानी उसकी किडनी का फंक्शन प्रॉपर कर, जो हमारी किडनी होती है उसका प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं, अपना जो काम है उसका वो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या नहीं, इससे कन्फर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वैब टेस्ट, स्वैब टेस्ट मतलब, स्वैब का मतलब होता है कि मतलब जो हमारा, जैसे उसमें बताया था उसका साइंस है कि मतलब ब्लैक या ब्राउनिश डिस्कलरेशन होगा उसके नसल कैविटी से, तो उसको क्या करेंगे, एक कॉटन का एक स्वैब बनाएंगे और उसमें उसके जो नसल कैविटी से उसका फ्लूड डिस्चार्ज हो रहा है उसको लेकर के उसको टेस्ट करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप और अदर एनी टेक्निक्स, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो वहाँ से पता लगा सकते हैं कि ब्लैक फंगस वहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में सिटी स्कैन, मतलब सिटी स्कैन करते हैं पूरी बॉडी का सिटी स्कैन, जैसे आपने सुना होगा कि सिटी स्कैन होते हैं करते हैं, तो उसमें पता लगाया कि सिटी स्कैन इसलिए करते हैं कि मतलब ये देखने के लिए कि जो हमारा फंगस है वो कहाँ तक फैला है, किस किस एरिया तक फैला है, इसको देख जाँच करने के लिए हम सिटी स्कैन करते हैं। नेक्स्ट इज एमआरटी का यूज़ करते हैं इसमें MRT में क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारा स्कल होता है उसकी, उसमें इसकी मैपिंग करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि फंगस कहाँ कहाँ तक स्प्रेड आउट हुआ है। फिर बात करते हैं उसका ब्लड शुगर और नसल एंडोस्कोपी, मतलब क्या, सबसे पहले उसका ब्लड शुगर चेक करेंगे कि ब्लड शुगर, जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे ब्लड शुगर पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसलिए उसका ब्लड शुगर चेक करेंगे। और नेक्स्ट इज नसल एंडोस्कोपी मीन्स मतलब उसकी जो नसल कैविटी है उसको क्या है, उसकी एंडोस्कोपी करेंगे और देखेंगे कि मतलब इसमें एग्जिस्ट करता है फंगस या किस किस एरिया में एग्जिस्ट करता है, ये सब कंफर्म करने के लिए उसकी नसल एंडोस्कोपी की करी जाएगी। तो फिर अब बात करते हैं गाइस हम इसमें ट्रीटमेंट की, मतलब क्या का ट्रीटमेंट, अगर उसको इस बात से कन्फर्म होता है कि हमने डायग्नोसिस करने के बाद कन्फर्म होता है कि हाँ इसको ब्लैक फंगस है, तो उसके बाद उसको ट्रीटमेंट क्या क्या दिए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा उसमें क्या करेंगे, उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे, उसका
सबसे पहले हम उसका ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे उसमें, हम कुछ एंटी फंगल इंजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी का एग्जांपल हमने यूज किया है। और जैसे अमीकासिन हम यूज करते हैं, एंटी फंगल इंजेक्शन है हमारे, ये सब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें कहा है, जो हमारा क्रिटिकल कंडीशन अगर आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, उसमें जो हमारे डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करते हैं, ताकि जो हमारे डेड सेल के अराउंड में जो और सेल है उनको कोई डिस्ट्रॉय ना हो, उनको डैमेज ना करे, इसलिए हम उसको जो हमारे डेड सेल हो गए उनको ही हम रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उसके आज के टॉपिक के बारे में, उसके साइंस, उसके ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोस्टिक और उसका ये सब हमें जानिए। तो गाइस एट द एंड एक नोट यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है कि डोंट यूज हाई स्टेरॉइड, इट कैन बी हार्मफुल। इसने क्या कहा, जो अगर हमें पता लगता है कि एग्जिस्ट करता है कि हम ब्लैक फंगस या कोई भी पेशेंट ब्लैक फंगस से पीड़ित है, अफेक्टेड है, तो उसको चाहिए कि वो क्या करे, स्टेरॉइड का सेवन ना करे, स्टेरॉइड ना ले, और अपने डॉक्टर से भी इस बात के लिए कंसल्ट कर ले कि जो हमारी थेरेपी चल रही है उसमें स्टेरॉइड तो नहीं, ज़्यादा अमाउंट स्टेरॉइड का लेना से बहुत हार्मफुल हो सकता है, जो क्या करेगा आपका जो शुगर लेवल इंक्रीज करेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये देखें कि मतलब कभी भी इसमें स्टेरॉइड का यूज़ ना करें। तो नेक्स्ट गाइस ये नोट था। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी यू कैन कमेंट। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।